26 जुलाई 1999 कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक घुसपैठियों के चुंगल से भारत को मुक्त कराया था। जो वीर जवान कारगिल में शहीद हुए थे, इसलिए यह विजय दिवस पूरे हिंदुस्तान में उनकी याद में मनाया जाता है। बीते दिन मनाली में मनाली मंडल व महिला मोर्चा ने मिलकर वाइल्ड लाइफ में कारगिल शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, महिला मोर्चा अध्यक्ष दिनेश्वरी ठाकुर, मनाली मंडल के अध्यक्ष दुर्गा सिंह ठाकुर, महामंत्री देवेंद्र ठाकुर, युवा मोर्चा के अध्यक्ष जिग्नेश ठाकुर विशेष तौर पर मौजूद रहे। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि मुझे अपने देश के वीर जवानों पर गर्व है। पत्रकार कंचन शालू की खास रिपोर्ट, लाइट ऑफ नेशन न्यूज, मनाली, हिमाचल प्रदेश। और हमारे बच्चे, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता अमित बेटी जी और पूर्व नगर पंचायत मनाली में अध्यक्ष भी रहे हैं और विभिन्न पदों पर आपने काम किया है, और साथ में युवा मोर्चा के अध्यक्ष जनेश ठाकुर जी, महिला मोर्चा की श्रीमती जिंदू ठाकुर जी और अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष शिवचंद जी और हमारे मनाली से पार्षद चमन कपूर जी और यहाँ विभिन्न मोर्चों के महामंत्री और हमारी महिला मोर्चा में प्रदेश में कार्यकारिणी की सदस्य श्रीमती वर्षा ठाकुर जी, श्रीमती चंद्रा प्रधान जी और हमारे सभी सम्मानित भाई और बहन। आज सबसे पहले तो आप सबको मालूम है कि आज मन की बात मोदी जी जो हर महीने करते हैं हमने सुनी, और कारगिल विजय दिवस के बारे में उन्होंने हमें बताया कि आज 26 जुलाई को जो है इस दिवस को हर वर्ष हम मनाते हैं, और आज हमने अपने जो शहीद कारगिल में रहे और उनके भाव जो है उनके श्रद्धा सुमन हमने अर्पित किए हैं, और आज हम उनको याद करते हैं क्योंकि इन शहीदों के कारण ही आज हम सब जो सुरक्षित हैं, और क्योंकि आज भी जो देश की स्थिति परिस्थिति हम सब जानते हैं कि इनका जो हाल है, पाकिस्तान का हाल है, लेकिन हम सब सुरक्षित हैं क्योंकि हमारा सैनिक भाई, हमारा फौजी भाई जो बॉर्डर पर तैनात है और जिसके कारण हम सब आराम से अपना जीवन जीते हैं, और उनको हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और इन सैनिक भाइयों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि जो बॉर्डर पर हमारा भाई खड़ा है तो उनकी सुरक्षा जो है बनी रहे, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और साथ में यहाँ महिला मोर्चा की हमारी बहनें हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे आप चाहे किसी भी मोर्चा में हैं, लेकिन हम सब ने एक प्रण लेना है कि हम चीन की रक्षाबंधन भी हमारा आ रहा है, और हमें तो कहा गया है बहनों कि हम अपनी राखी घर से हम राखी बनाएंगे और अपने भाइयों को पहनाएंगे, और नहीं तो डोरी से ही पहनाएंगे, और आप भाइयों से भी निवेदन है कि हम चाइना को जो है पूरी तरह से उनको बायकॉट करना है, और ये भी एक हमारा, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम देश से प्यार करते हैं, अपने देश की सुरक्षा की जो हमको दिन रात चिंता भी रहती है, लेकिन हम बॉर्डर पर नहीं जा सकते, लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं कि चाइना के हर प्रकार के माल को जो हमने बायकॉट करना, ये काम तो हम कर ही सकते हैं, इससे निवेदन है कि ये काम हम करें। और साथ में सब्सक्राइब कीजिए LON न्यूज चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले जानने के लिए।